नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपन टाइप नंबर 8 करेंगे। एक वीडियो में एक ही टाइप डालेंगे ताकि आप सारे जो आराम से देख लो, छोटे छोटे वीडियो बना देते हैं 10-10, 15-15 मिनट के, और आप उन सारे वीडियो का बढ़िया तरीके से अध्ययन कर लेना। देखिए विद्यार्थियों, टाइप नंबर 8 है आपके सामने। टाइप नंबर 8 कहती है कि ए बी सी तथा डी चार व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी और डी, ये चार क्या है, व्यक्ति है। सी की सैलरी डी से 50% ज्यादा है, डी से 50% ज्यादा है। तो बात आके कहां पर अटकी, डी से। अब अपने को यही नहीं पता कि डी कितना है, तो जहां पर बात अटके उसको 100 मान लेना। तो यहां पर आपने मान लिया 100, यहां पर आपने क्या माना, 100। अब देखो सी की सैलरी है वो डी से 50% ज्यादा है, तो डी का 50% कितना है, साइड में निकाल के देख लो, 100 का 50%, प्रतिशत हटाओ तो बट्टे में 100, 00 से 00 मतलब 50, मतलब सी की सैलरी डी से 50 ज्यादा है, तो मतलब इसकी सैलरी कितनी होगी, 150। अब आगे पढ़ो, और बी की सैलरी सी से 40% कम है, सी से 40% कम, तो पहले तो सी का 40% निकालो, 150 × 40/100, 20 से 20 कितना है, 60। मतलब बी की जो सैलरी है वो सी से कितनी कम है, 60 कम है। सी से 60 कम होगी तो कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है, ए की सैलरी बी से 33.33% ज्यादा है, बी से 33.33%, तो 33.33 का मतलब क्या होता है, 1/3, मतलब B का 1/3 निकालो, तो B का 1/3 कितना है, 90 × 1/3 कितना है, 30। मतलब कि जो A की सैलरी है वो B से कितनी ज्यादा है, 30 ज्यादा है, इससे 30 ज्यादा कितनी हो जाएगी, 120। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है A की सैलरी C का कितना प्रतिशत है, C का ध्यान रखना, का किसके साथ आ रहा है, का आ रहा है C के साथ, तो सी को कहां रखना है, नीचे। तो बोला है कि सी की सैलरी का, तो सी का कितना है, तो सी कितना है, 150। और आगे क्या बोला, क्वेश्चन पूछा किसका है, कि ए की सैलरी, तो ए की सैलरी कितनी, 120, तो जिसका पूछा है उसको रखो ऊपर, सी का जिसका का है उसको कहां रखना है, नीचे, और प्रतिशत निकालना है तो × 100। ठीक है, 10 से 10, 3 से गया 4 बार, 3 से गया 5 बार, 5 से ये गया 20 बार, तो कितना आ गया, 80%। तो A की जो सैलरी है वो C का 80% है, कितना प्रतिशत है, 80%। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं, पहले तो तीन संख्याएं मान लो, A, B है C, तो पहले तो ये है आपकी फर्स्ट संख्या, ये है आपकी सेकंड संख्या, और ये है आपकी थर्ड संख्या। तो ये कहता है पहली जो संख्या है वो तीसरी से 30% कम है, थोड़ा सा मैं एक स्टेप बैक चलता हूं, ये तीसरी से 30% कम है, तो बात आके कहां अटकी, तीसरी पर बात अटक गई, तो तीसरी को कुछ ना कुछ मान लो, तो तीसरी को आपने मान लिया कि ये है आपकी 100, ये हमने मान ली। अब वापस पढ़ो, तीन संख्या में जो पहली जो संख्या है वो तीसरी से 30% क्या है, कम है, तो पहले तीसरी का 30% निकालो, तो तीसरी संख्या है 100, और 100 का आप कितना प्रतिशत निकालो, 30% निकालो, तो 30/100, 20 से 20 मतलब 30, तो मतलब तीसरी से, मतलब 100 से 30% कम, मतलब 30 कम, तो 100 से 30 कम कितना होता है, 70, तो ए कितना है आपका, 70। अब क्या कहता है, दूसरी संख्या 10% अधिक है, किससे भाई, किससे, वापस पढ़ो प्रश्न, तीन संख्या में पहली संख्या ऐसी है जो कि तीसरी से तो 30% कम है, और ये जो पहली संख्या है वो दूसरी से 10% अधिक है। प्रश्न ऐसे है कि पहली संख्या तीसरी से तो 30% कम है और दूसरी से 10% अधिक है, तो दूसरी से और दूसरी संख्या, सॉरी, और जो दूसरी संख्या ना वो 10% अधिक है, तो किससे है, तो देखो मैं एक बार इसमें थोड़ा सा रिमूव करता हूं ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए, और ज्यादा इसको थोड़ा थोड़ा इनको हटाते हैं, ठीक है ना, इनको भी हटा दे थोड़ा थोड़ा। अब देखना, तीन संख्या में पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से तो 30% कम है,
तो पहली संख्या को तीसरी से कर दिया 30% कम, और बोल रहा है दूसरी संख्या, तीसरी से पहली संख्या है वो तो तीसरी से 30% कम है, और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी से क्या है 10% ज्यादा है, तो ये दूसरी संख्या है वो 10% क्या है ज्यादा है, मतलब कितनी ज्यादा है 110। समझ गए, पहली संख्या है वो तीसरी से 30% कम, ओलियोसा 30 कम, और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी से 10% अधिक, तो 100 का 10% 10, तो ये लो 10 अधिक। अब इसने क्या बोला, पहली संख्या दूसरी का, किसका, दूसरी का, तो का इसके साथ आया तो इसको रखो नीचे 110, और किसका पहली संख्या, तो पहली संख्या का पूछा तो इसको रखो ऊपर, और इनटू में क्या आएगा 100 आएगा, 10 से 10 गया तो कितना हो गया 700/11, तो इसका आप निकाल लेना, ठीक है ना, 700/11 ये परसेंटेज आएगा, 700/11%, ये आपका आंसर है। इस प्रकार से एक दो मैं छोटी छोटी चीजें आपको ले लेके बताता हूं, जैसे मैं बोलूं कि ए है वो बी का 20% है, लैंग्वेज में लिखता हूं, जैसे यहां लिखना ए बी का 20% है, बी का क्या है 20% है, तो आपको ऐसे लिखना है ए बी का किसके साथ है, बी के साथ, इनटू 20%, प्रतिशत हटा तो बट्टे में क्या आया 100 आया, ऐसे समझ आएगा। कई बार ऐसे लिखा हुआ मिलता है जैसे कि आपको बी सी का 40% है, तो ए बी अनुपात सी ज्ञात करो, जैसे मान लो बोल ही दिया उसने, तो देखो बी सी का, तो सी के साथ आया का, तो 40%, और प्रतिशत हटा तो बट्टे में 100, 10 से 10, थोड़ा और व्यवस्थित लिखो इसको, बी इस तरफ सी गुणा में, इस तरफ आया तो भाग में, बचा क्या 4/10, मतलब 2/5, तो बी अनुपात सी, तो बी कितना है, बी है 2, तो 2, सी कितना है 5, तो 5, तो बी अनुपात सी 2/5। और आगे बढ़ते, जैसे मैं बोलूं एक चीज और लेते हैं, स्टार लगा देता हूं, बी सी से 40% ज्यादा है, से 40% ज्यादा है, इसके दो तरीके हैं, ठीक है, या मैं एक सीधा सीधा बता दूं, जैसे बोले ना सी का 40% है, तो सी इंटू 140, मतलब वो सी इंटू आप कर लोगे सी से 40%, सी का 40% है तो सी इंटू 40% कर दी, और यदि बोल देना सी से 40% ज्यादा है तो आप क्या करना, बी बराबर सी से 40% ज्यादा है तो इसका मतलब 140%, तो ये क्या हो गया बी बराबर सी इंटू 140/100। ये देखो बहुत माइनर चीज है, इसको मैं सेपरेट करके बता रहा हूं, वरना ये पर्सनों के बीच बीच में बताते हैं, सेपरेट नहीं बताते। अब देखो एक और लिखता हूं, बी सी का 40% है, तब ये कैसे होगी, बी सी का 40%, प्रतिशत हटाया तो बट्टे में 100, समझ आएगा, बी सी से 40% ज्यादा है तब तो 140% है, और बी सी का 40% है तो इंटू 40/100। एक और बता देता हूं, जैसे बोले बी सी से 20% कम है, परसेंट थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने ना, 20% कम है, तो आप क्या लिखोगे, बी सी से, तो से इसके साथ है, 20% कम है, 20% कम का मतलब 80% है, तो 80/100, ये इस प्रकार, ये इस प्रकार, ठीक है, आई बात समझ में, तो ये इस प्रकार से होता है, समझ में आया ढांचा, तो ये बात है विद्यार्थियों, तो कितना हो गया अपना, ठीक है, हाँ चलो फ्रेम में, तो आज की टाइप में ये बस अपन इतना ही लेंगे, और मैं थोड़ा बेसिक बेसिक और बता देता हूँ, ठीक है, जैसे आपको कंफ्यूजन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 पर कोई चीज ली जाती है वैसे, और अपन कुछ सीखना चाहें तो जैसे आपको ऐसे बोल दें कि बी का 40%, बी का 40%, और बी का जो 40% ए के 20% से 10 अधिक है, ये मैं लैंग्वेज सिखा रहा हूं जो प्रश्नों में बीच बीच में काम आती है, जटिल प्रश्नों को सोल्व करने में, तो देखो बी का 40%, बी इंटू 40/100, बी का 40%, ए के 20%, तो ए का 20%,
ए के 20% से 10 अधिक है, मतलब ए का 20% में 10 ज्यादा है, मतलब ए का 20% में 10 जोड़ जाना एक आगे जाए बराबर, तो ए के 20% में आपने क्या जोड़ दिया 10, तो ये दोनों क्या हो गए बराबर। अब देखो कि सर हम इसमें क्या है, अब मैंने ये आपको क्यों बताया, लोग यहां कंफ्यूज होते हैं कि 10 ने ई साइड जोड़ा ई साइड जोड़ा, ठीक है, तो जक्का रे साथ लगे डर रहे हो ना, से अधिक है से कम है तो बिर साथ ही चिपका दे रहे हो, जी हाँ वो ए के 20% के साथ लगे से अधिक है तो आप किस साइड चिपका दियो, आप चिपका दियो ए के 20% साइड। जे मान लियो हाँ यहाँ लिखे डो मिले बी का 40%, ए के 30% से 70 कम है, तो ते को थान काई करना है बी का 40%, 40/100 और ए का 30%, 30/100, तो ए के 30% से कम है तो से किर साथ है फिर साथ जेब दियो, तो कि से तो सर इस साथ है, करो 70 कम -70 और ये इसके क्या हो गया बराबर, ये लो भाई। तो ये भी एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ये बीच बीच में काम आता है, विद्यार्थी यहाँ पर बहुत ज्यादा मात खा जाते हैं, तो ये भी मैंने आपको साथ में बताना उचित समझा, ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में टाइप नंबर 9 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत राम राम।